आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है लैग्रांज इक्वेशन फॉर सेंट्रल फोर्स। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फोर्थ है सेंट्रल फोर्स और पेपर फर्स्ट है आपका क्लासिकल एंड स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है सर, लैग्रांज इक्वेशन कितना शानदार नाम है। नाम में क्या रखा है इसका काम देखना। लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है सर, लैग्रांज इक्वेशन फोर किसके लिए, सेंट्रल फोर्स। ओके सर, ओके, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, फोर्स 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 फाइया फोर्स, ठीक है। लैग्रांज इक्वेशन फॉर सेंट्रल फोर्स, या आप इसको बोल सकते हो इक्वेशन फॉर मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, है ना। यानी कि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत, ठीक है, गति का समीकरण हम निकालने वाले हैं। चलिए साहब कैसे कैसे निकाला जाता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लैग्रांज इक्वेशन लिख दो, और वो भी पोलर कोऑर्डिनेट में। लैग्रांज इक्वेशन क्या होगी, देखो जरा ध्यान से बेटा लाइन पे, तो पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में। ओके सर, ओके, पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट्स निर्देशांकों में, ठीक है। लैग्रांज इक्वेशन क्या बैठेगी बेटे, लैग्रांजी या लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है सर, लैग्रांज इक्वेशन जल्दी बताओ बेटे क्या होती है, ठीक है सर। तो एल का मान मैं फाइंड करने वाला हूँ, ठीक है, वो भी किसके किस कौन से कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। चलिए एल इक्वल टू हाफ लाइन पे फोर्स करना एम, ठीक है सर, ये आ जाएगा मेरे पास आर डॉट स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है सर, आ गया माइनस के पोटेंशियल एनर्जी वी आर, ठीक है, ओके ओके। ये एल का मान मैंने निकाल दिया। अगर आपको लैग्रांज इक्वेशन लिखनी है पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो करना क्या है, सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति का समीकरण हमें लाना है और पथ का समीकरण भी हमें निकालना, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भी करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। चलिए एल का मान हमारा इतना हो गया, हो गया। अब आपने एक चीज़ और पढ़ी है पीछे, पिछले लेक्चर देखना आप, आपने पढ़ा है संवेग, मोमेंटम जो होता है हमारा, मोमेंटम जो होता है, या फिर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो एल होता है मेरे दोस्तों वो थीटा पर डिपेंड नहीं करता, एल थीटा पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे है ही नहीं थीटा, तो एल जो है थीटा पर निर्भर नहीं करता। और तुम्हें पता है कि जब एल थीटा पर निर्भर नहीं करता है तो थीटा क्या चीज़ है, यहाँ पे थीटा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। थीटा क्या है बेटा, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ये लिखना पड़ेगा आपका, थीटा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है, ओके सर, थीटा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अतः संवेग जो है ना, अतः संवेग बेटा वो कैसा रहता है, नियत रहता है, जो संवेग है वो नियत रहता है इसका, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, संवेग नियत रहता है। कैपलर के नियम याद हैं, अरे भैया कैपलर के नियम याद हैं, तो संवेग जब नियत रहता है तो कैसे नियत रहता है वो भी हम निकाल लेते हैं। चलिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है पी थीटा इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, यानी पी के इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट। तो पी के की जगह आ जाता है तुम्हारे पास पी थीटा और क्यू के की जगह आ जाता है थीटा, ठीक है, यानी कि थीटा डॉट आ गया हमारा। अब जब करोगे डिफरेंशिएशन तो बेटा इसमें तो थीटा डॉट है नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, ये बचेगा। तो एक बटा दो एम की मल्टीप्लाई करोगे, एक बटा दो एम की मल्टीप्लाई करोगे और थीटा डॉट स्क्वायर का करो डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा टू थीटा डॉट टू माइनस के बन, तो दो से दो कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। और यही किसकी वैल्यू है, इसको मान लेंगे हम जे मान सकते हो या एल मान सकते हो, और यही क्या है मेरे पास, मोमेंटम है। यही क्या है बेटे मेरे पास, मोमेंटम, यही मेरे पास क्या, मोमेंटम, ओके ओके, मोमेंटम, मोमेंटम, ये कण का संवेग आ गया हमारा, पार्टिकल का संवेग। और चाहे हो तो यहां से थीटा डॉट का वैल्यू निकाल सकते हो, थीटा डॉट इक्वल टू ये आ जाएगा एम अपॉन कितना जाएगा बेटे, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर। तो लाइन पे ध्यान देना, इस वैल्यू का यूज़ बहुत होगा आगे जाके, जो ये थीटा डॉट की मैंने वैल्यू फाइन करी है ना, इस वैल्यू का यूज़ बहुत होने वाला है अभी आगे जाके, ठीक है। अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं है, अभी तो हमने ये भी नहीं प्रूफ कराया है कि संवेग हमारा नियत रहता कैसे है, बस इतना बताया कि एल थीटा पर डिपेंड नहीं करता, तो संवेग हमारा कॉन्स्टेंट हो जाता है। अभी निकालेंगे, फिलहाल थीटा डॉट का मान निकाल लिया है, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो, क्योंकि हर जगह इसी इक्वेशन का यूज़ होने वाला है, बहुत जगह यूज़ होगा, और ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ ना हो, इसका भी बहुत जगह यूज़ होगा। तो क्लियर समझ में आया, तो फिलहाल तो पोलर कोऑर्डिनेट्स याद, पोलर कोऑर्डिनेट्स में लैग्रांज इक्वेशन याद करो, लैग्रांज इक्वेशन याद करो कि सर ये वाली होती है, और उसके बाद में मैंने क्या करा है, थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में मैंने इसका
डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो ये वाला स्टेप जीरो हो जाएगा, एक बटा दो एम से मल्टीप्लाई करने के बाद थीटा डॉट में थीटा डॉट स्क्वायर है, तो फॉर्मा लगा दो डी बाई डी एक्स एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस के, बंद दो पहले आ जाएगा, दो में से एक घटा दिया, दो से दो कट जाएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा। इतने लेक्चर पढ़ रखे हैं तो डिफ्रेंशिएशन नॉर्मल सी बात है आ गया होगा। चलिए साहब इतना आ गया मेरे पास। अब गति के दो समीकरण होंगे, किसके बेटे, मोशन के दो समीकरण होंगे, गति के, ठीक है सर, गति के दो समीकरण होंगे, ठीक है सर, गति के दो समीकरण होंगे, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, करवाते हैं हम, गति के दो समीकरण होंगे, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो बिल्कुल फोकस रखना है बोर्ड पे, इतना सा भी मिस्टेक नहीं करना है, कर दिया तो कहानी बेटा खत्म हो जाएगी, ध्यान देना। चलिए गति के दो समीकरण कौन कौन से होंगे सर, लिख दो आप, देखो पहला समीकरण होगा डी बाई डी टी, ठीक है बेटे, डी एल अपॉन डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, ठीक है, माइनस के डेल एल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप ले सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी, ठीक है सर, डेल एल अपॉन डेल आर डॉट, ओके सर, माइनस के डेल एल अपॉन डेल आर इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये लैग्रांज इक्वेशन, लैग्रांज इक्वेशन मैंने दोनों की दोनों लिख ली, अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट का मान निकालो, फिर डेल एल अपॉन डेल थीटा का मान निकालो, ऐसे डेल एल अपॉन डेल आर डॉट का मान निकालो, डेल एल अपॉन डेल आर डॉट का मान निकालो। तो गति की दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, चलिए निकालता हूँ मैं, मेहनत करता हूँ थोड़ी सी यार आपके, आप लोगों के लिए। तो डी अपॉन डी टी, ठीक है सर, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, तो सिंपल सी बात है, देखो लाइन पर फोकस करना है, ये वाला स्टेप जीरो हो जाएगा हमारा, ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी थीटा डॉट नहीं है, इसमें भी थीटा डॉट नहीं है, बचा हमारा ये एक बटा दो एम की मल्टीप्लाई करो अंदर, तो थीटा डॉट स्क्वायर करोगे तो टू थीटा डॉट टू माइनस के बन, तो दो से दो कट जाएगा, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है, और माइनस के, क्योंकि इसमें कहीं भी थीटा नहीं है, तो उसका जीरो हो जाएगा, बराबर हो गया मेरे पास कितना, जीरो। चलिए इसी तरह से इसका कर दो, डेल एल अपॉन डेल आर डॉट का करो, तो देखो इसमें आर डॉट नहीं है, इसमें भी आर डॉट नहीं है, यहाँ पर है डॉट, तो लगा दो फॉर्मूला टू आर डॉट टू माइनस के बन, दो से दो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी एम आर डॉट, एम आर डॉट आ गया बेटा, एम आर डॉट, एम आर डॉट, दो से दो कट गया, एम आर डॉट आ गया, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करो, माइनस के डेल एल अपॉन डेल आर, डेल एल अपॉन डेल आर, तो बेटा इसमें तो आर है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, जब एक बटा दो की एम से मल्टीप्लाई, एक बटा दो एम की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो फॉर्मूला फिर से लगा दो, तो दो से दो कट जाएगा एम आर, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर और थीटा, यानी कि खाली आ जाएगा ये हमारा, देखते हैं एक बार करके, जब करोगे तो दो मेरे पास पहले आ जाएगा टू आर टू माइनस के बन, तो दो से दो कट गया, खाली आर बचेगा, एम आर थीटा, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, और बेटा यहाँ जो मेरे पास है माइनस के, इसमें भी आर है, इसमें भी आर रहेगा, तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल आर, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू मेरे पास कितना बनेगा बेटा, जीरो बन जाएगा, ये मेरे पास कितना आ गया, जीरो आ गया, कुछ इस तरह से मेरे पास इक्वेशन मैंने लिख ली। अच्छा ये बताओ ये स्टेप आपकी समझ में आया नहीं आया भैया, ऐ भैया ये स्टेप आपकी समझ में आया नहीं आया, हाँ एक चीज़ और है, इस डेल की जगह ना आप डी ले लेना, डी भी अपॉन डी आर, ठीक है। चलिए तो ये इक्वेशन आपके क्लियर हुई या नहीं हुई जल्दी बताओ, इस इक्वेशन का बहुत बड़ा यूज़ है लाइफ में, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है इस इक्वेशन का। चलिए हो गई होगी मेरे ख्याल से, ना हुई है अभी ना भैया, अरे यार हो गई होगी, इस चीज़ को मैं लिखूँगा कुछ ऐसे करके, अब डी वाई डी टी, ओके सर, एम आर थीटा डॉट, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, थीटा डॉट इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया, ठीक है ये जीरो आ गया, इसको इक्वेशन बना लो आप सेकंड, ठीक है भैया ये इक्वेशन बन गई हमारे पास सेकंड। अब बची हमारे पास ये इक्वेशन, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लूँगा, ये डी वाई डी टी ऐसी रहेगा, ठीक है डी वाई डी टी एम आर डॉट, एम आर डॉट, अगर चाह रहे हो तो इसको आप सोल्व भी कर सकते हो, वरना ऐसे की ऐसी रख सकते हो, मर्जी है, एम आर डॉट माइनस के, देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बैठ जाएगा हमारा एम आर थीटा डॉट, ठीक है एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, और प्लस के डेल वी अपॉन डेल आर, इसको ऐसे करके रख सकते हो, इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, जीरो, इक्वेशन नंबर हो जाएगी मेरे पास थर्ड। अब इक्वेशन टू और थर्ड जो है वो गति के समीकरण होते हैं, ध्यान देना, कण के गति के समीकरण, यानी कि इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन कौन सी बेटे थर्ड, इक्वेशन सेकंड,
एन थर्ड, ठीक है, क्या है ये? कण के गति के समीकरण है, कण के गति के समीकरण है, गति के समीकरण है, ठीक है, कण के गति के समीकरण है। अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखो एम आर, अगर आपको ये प्रूफ करना है ना कि थीटा जो है मोमेंटम वो कॉन्स्टेंट कैसे रहता, तो जहां पर आपके पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है, देखो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है वो एल के बराबर है, तो आप यहां पर रख सकते हो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, उसका एल रख सकते हो, एल लगा दोगे, जब एल लगा दोगे तो जीरो बराबर कॉन्स्टेंट आ गया, नियत आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, तो संवेग हमारा नियत रहता। चलिए आगे देखते हैं, तो इतनी इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन गई है, ठीक है, और अभी आगे करेंगे प्रूफ इस चीज़ को, आगे बनाएंगे, अभी फिलहाल तो अभी इक्वेशन हमारी इतनी आ गई है, ठीक है, और ये इक्वेशन हमारी बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि मेन इक्वेशन ये वाली है हमारी, इस पर फोकस करके चलना होगा आप लोगों को भैया, जितना हो सके इतना फोकस करना है इस पॉइंट पे, क्योंकि बिना इस पॉइंट के हमारा काम होने वाला है नहीं। चलिए अब एक चित्र बनाते हैं और उस चित्र से समझते हैं आगे की कहानी। देखो अब हम इस इक्वेशन को कैपलर के नियम की ओर लेकर चलेंगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन को हम कैपलर के नियम की ओर लेकर चलते हैं, कैपलर के सेकेंड लॉ की ओर, जो कि ये कहता है कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, यानी कि क्षेत्रफल नियत रहता है, बात कुल मिला के ये है। देखो इस टाइप से, देखो ये है मेरे पास त्रिज्या वेक्टर, लाइन ध्यान ना, ये है त्रिज्या वेक्टर, ठीक है, और ये भैया कुछ समय बाद डी थीटा कोण घूम के, डी थीटा कोण घूम के, ये डी थीटा कोण घूम के, और ये हमारा कण है, ये हमारा कण है, ये इस टाइप से कण है, और इतनी डिस्टेंस तय कर लेती है, तो पता है तुम्हें कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी कि चाप बराबर चाप ये हो गया, त्रिज्या ये हो गई, कोण ये हो गया, तो ये हो जाएगा आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा हो जाएगा ये आर इंटू डी थीटा। चलिए साहब इक्वेशन नंबर टू देखो जरा, इस इक्वेशन नंबर टू को मैं क्या, चलो बाद में देख लेंगे इक्वेशन नंबर टू को, फिलहाल अभी इससे हम गल करते हैं। तो देखो मान लेता हूँ, माना माना त्रिज्या वेक्टर डीटी समय में, माना त्रिज्या वेक्टर द्वारा डीटी समय में चला गया क्षेत्रफल डीए है, कितना मान लेंगे इसका एरिया डीए, माना त्रिज्या वेक्टर द्वारा, लाइन पर फोकस करना, त्रिज्या वेक्टर द्वारा, ओके सर, माना त्रिज्या वेक्टर द्वारा, हाँ सर, डीटी समय में, डीटी समय में, ठीक है, चला गया क्षेत्रफल, चला गया क्षेत्रफल, कितना बेटे क्षेत्रफल डी ए मान लूँगा, क्षेत्रफल कितना मेरे पास डी ए है, ओके सर डी ए है, तब तब जब मैं डी ए का मान निकालूंगा मेरे दोस्तों, जब मैं डी ए का मान निकालूंगा मेरे दोस्तों, तो जब मैं डी ए का मान निकालूंगा तो डी ए का मान क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप बताओ डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास हाफ, ठीक है, क्षेत्रफल निकाला हूँ, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला एक बटा दो लंब गुणा, ठीक है, आधार, तो एक बटा दो, तो ये मेरे पास त्रिज्या आर आ गई, और चाप कितना है आर इंटू डी थीटा आ गया मेरे पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी ए बराबर हो गया कितना बेटा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, ये आ गया इतना हमारा, ओके सर आ गया। अब डी टी से डिवाइड कर दो, डी टी से भाग करने पर, डी टी से भाग करने पर, ओके सर ओके, अरे डी टी से भाग मत करो दोनों पक्षों में, यानी कि इधर भी टी के सापेक्ष क्या कर दोगे अवकलन कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा वाई मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा डी टी आ जाएगा, ठीक है, डी टी से भाग कर दी। अब देखो जो ये डी ए अपॉन डी टी है मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, और एक बटा जो आर स्क्वायर है, एक काम देख लें ज़रा, ये इसका स्क्रीन शॉट ले लो, और ये बहुत काम की चीज़ है, ये याद कर लेना ठीक से, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज कर रहा हूँ भाई मैं इसको, क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है अब। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को, ओके सर ओके सर ओके 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 सब कुछ राइट है। चलिए अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है कि डी ए अपॉन डी टी में ऐसे रहने दूंगा, डी ए अपॉन डी टी में ऐसे रहने दूंगा, ठीक है। चलिए डी ए अपॉन डी टी में ऐसे रहने दूंगा, और हाफ आर स्क्वायर इसको लिख लेंगे हम कितना, ये आ गया बेटे मेरे पास हाफ, ठीक है, आर स्क्वायर थीटा डॉट, हाफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, ओके। चलिए इक्वेशन नंबर मान लो उसको तुम चार, क्योंकि इक्वेशन बहुत बनने वाली है, इक्वेशन नंबर चार आ गया। अब एक चीज़ ये देखो तुम, यहाँ पर ये चीज़ चेक करो कि यार समीकरण दो से, समीकरण दो को, समीकरण दो से, समीकरण दो से, ठीक है बेटा, समीकरण दो ये है मेरे पास d अपॉन डी टी, ओके, और समीकरण दो को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना, मैं लिख सकता हूँ हाफ हाफ, ठीक है, r स्क्वायर थीटा डॉट। अब तुम सोच रहे होगे सर कैसे लिख लिया ये, हाफ r स्क्वायर थीटा डॉट, ऐसे करके लिख सकते हो समीकरण दो को आप, क्योंकि मुझे लाना है क्षेत्रफल नियत करना, कि भैया क्षेत्रफल नियत रहता, और अगर क्षेत्रफल नियत हो गया तो समझ जाना कि जो कैपलर का द्वितीय नियम होता है वो सभी सेंट्रल फोर्स के लिए सत्य होता है। तो कैपलर का द्वितीय नियम,
तो केपलर का द्वितीय नियम सभी सेंट्रल फोर्स के लिए सत्य होता। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि केपलर का द्वितीय नियम में क्षेत्रफल हमारा नियत रहता, तो समझ जाना कण जो है वो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मोशन कर रहा होगा, यानी गति कर रहा होगा। चलिए अब देखो, देखो ये भी 1/2 r² θ² है और ये भी 1/2 r² θ². अब हमने इसको लिखा कैसा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा मेरे दोस्तों। देखो 2 से गुणा कर दी, 2 से भाग कर दी, और जो ये मेरे पास है ना m, जो ये m है ये गुणा वाला, इधर को हम उठा के भाग में ले जाएंगे, 0 के 0 बटा m 0 हो जाएगा। फिर 2 से गुणा करी, 2 से भाग करी, वो वाला 2 भी उठा ला इधर को, तो 1/2 r² θ² रह जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये रह गया, अब उठा के जो है ये रह दो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से मान लगा दो यहाँ पे d अपॉन dt, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे dA अपॉन dt इक्वल टू मेरे पास कितना जगह 0, इसका मतलब आ गया dA अपॉन dt बराबर कितना गया बेटे 0, बराबर क्या हो गया मेरे पास नियता, ये क्या हो गया मेरे पास एक नियता हो गया, मतलब नियत हो गया, यानी कि क्षेत्रफल कैसा हो गया हमारा नियत हो गया। इसका मतलब ये है कि कण जो है किसी निश्चित समय में, कण किसी निश्चित समय, यानी कि मैं ले दे रहा हूँ देखो, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में, ओके सर ओके, किसी निश्चित समय में, समय में त्रिज्या वेक्टर द्वारा, ठीक है, त्रिज्या वेक्टर द्वारा ठीक है सर, चला गया क्षेत्रफल, त्रिज्या वेक्टर द्वारा, वेक्टर द्वारा चला गया क्षेत्रफल, चला गया क्षेत्रफल कैसे रहता है बेटे, क्षेत्रफल नियत रहता है, क्षेत्रफल नियत रहता है, ठीक है, नियत रहता है, ओके ओके सर ओके, नियत रहता। और ये क्या, यह है केपलर का द्वितीय नियम है, याद करो ठीक से, कौन सा नियम है बेटे, यह है केपलर का, किसी निश्चित समय में त्रिज्या वेक्टर द्वारा चला गया क्षेत्रफल नियत रहता है, ये केपलर का द्वितीय नियम है, केपलर का कौन सा नियम है बेटे, द्वितीय नियम है, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ केपलर है, ये केपलर का द्वितीय नियम है। और तुम्हें पता है कि ये जो नियम होता है, यह नियम सभी, ठीक है, सभी सेंट्रल फोर्स, ठीक है, यह नियम सभी सेंट्रल फोर्स के लिए सत्य होता है, के लिए सत्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कण है वो भैया, वो भैया सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति कर रहा है। प्रूफ हो गया है सर, चलिए चलिए साहब यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें, हमारा काम हो चुका है और काम तमाम भी हो चुका है, ठीक है, बस और रह गया थोड़ा बहुत होने वाला सोल्व हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है यार, अब क्या बचा, अब क्या करवाएं, तो यहाँ तक क्लियर हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो अब ज़्यादातर इसका यूज़ होने वाला है नहीं, इसका यूज़ अब ज़्यादा होने वाला है नहीं, लेकिन अब मैं जो इक्वेशन ये वाली है, इस इक्वेशन का हम बहुत यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ और इस इक्वेशन का हमारा क्या होगा, यूज़ होगा। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है चलिए। अब समीकरण 3 से आ गए हम, समीकरण 3 से पकड़ लो। अब समीकरण 3 क्या कहती है भैया, हमसे बहुत कुछ कहती है समीकरण 3 से, बेटा काम तो अब आता है, अब हम करेंगे टोटल ऊर्जा नियत रहती है, हम करेंगे कि टोटल ऊर्जा नियत रहती है, इस चीज को भी हम प्रूफ करेंगे कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ओके सर ओके ओके ओके, चलिए ये है हमारे पास समीकरण 3, तो डी बटा डी टी, ओके ये क्वेश्चन था हमारे पास डी बटा डी टी, ठीक है, और ये कितना है मेरे पास एम आर डॉट माइनस के एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी आर, डी बी अपॉन डी आर, ठीक है बेटा, तो ये डी बी अपॉन डी आर है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, इसको आप डी भी कर लेना, आप डी बी अपॉन डी आर, ठीक है, डी बी अपॉन डी आर हो गया था ना। चलिए इसका करो इंटीग्रेशन, यानी कि इसका समाकलन करो, अपकलन करो इसका, तो ये हो जाएगा एम आर डबल डॉट, हो गया एम आर डबल डॉट, तो माइनस का बचा हमारा कितना बेटा एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये रह गया माइनस के डी भी अपॉन डी आर, डी भी अपॉन डी आर। अब मैं देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आप चाह रहे हो तो यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू रख सकते हो समीकरण 1 से, थीटा डॉट का मान, यानी कि थीटा डॉट बराबर कितना आया था हमारा एल अपॉन आया था एम आर स्क्वायर, रखने पर समीकरण 1 से, चलिए रख दे रहे हैं, तो एम आर डबल डॉट माइनस के एम आर और थीटा डॉट स्क्वायर की जब वैल्यू रखूँगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम आर की पावर हो जाएगा हमारा कितना 4 हो जाएगा, आर की पावर कितना होगा मेरे पास 4 हो जाएगा, और बचेगा मेरे पास माइनस के डी भी अपॉन डी आर, ठीक है। चलिए एक आर से एक आर कट जाएगा, एक एम से एक एम कट जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा एम आर डबल डॉट माइनस के रह गया एल स्क्वायर अपॉन बचा मेरे पास r की घात 3, ठीक है, ये मेरे पास रह रहा, क्योंकि भैया आपने स्क्वायर करा था यार, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, यहाँ एम आर रखा, तो भैया देखो जब थीटा डॉट का मान रखोगे तो इसका भी क्या होगा मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा, तो एक एम से एक एम कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना एक एम, तो ये आ जाएगा एक एम आर क्यू,
ठीक है, बराबर हो गया मेरे पास माइनस के डी वी अपॉन डी आर, ठीक है इतना हो गया। इस माइनस को बराबर के धर ले जाओ, कहाँ में पहुँच जाएगा बेटा, प्लस में पहुँच जाएगा ये वाला, ठीक है सर चलो ले जा रहे हैं इसको ही प्लस में, तो ये पहुँच जाएगा माइनस के डी वी अपॉन डी आर प्लस के एल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा एम आर क्यू। अब जो मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूँ ना, इस पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है लाइन पर फोकस करना। तो एम आर डबल डॉट, ठीक है इक्वल टू एम आर डबल डॉट इक्वल टू माइनस के डी बी अपॉन डी आर, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है एम आर डबल डॉट इक्वल टू माइनस के डी बी अपॉन डी आर। फोकस करना है, ये जो मैं लिखूंगा ये मैंने कुछ इस तरह से लिखूंगा डी अपॉन डी आर, ठीक है बेटे डी अपॉन डी आर, और ये जगह मेरे पास एल स्क्वायर अपॉन के टू एम आर स्क्वायर। अब आपका दिमाग घूम गया होगा, बोले सर ये कैसे लिख दिया आपने, बोले सर ये कैसे लिख दिया, ये तो समझ में ना पड़ा, ये तो समझ में पल्ले ही ना आया, ये कैसे लिख दिया आपने। अरे देखो क्या होगा, क्या होगा भैया कि क्या होगा कि माइन देखो ध्यान देना, ये जो मेरे पास एल क्यू था ना एल क्यू, जब मैं इस एल क्यू को ऊपर लेके जाऊँगा तो मेरे पास घात कहाँ पहुँच जाएगी, जब मेरे पास अगर मैं इसका क्या करता हूँ लाइन पर फोकस करना, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ आर की रिस्पेक्ट में तो मेरे पास ये वाला स्टेप आ जाएगा पक्का। तो आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, आर स्क्वायर को क्या करोगे आप ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास आर की घात माइनस के दो, फॉर्मूला लगाओगे और माइनस दो पहले लिखोगे, ठीक है तो ये आ गया मेरे पास माइनस के दो, ठीक है लाइन पर फोकस करना कितना आ जाएगा माइनस के दो आ जाएगा, ओके माइनस के दो आ जाएगा, और बटे में कितना है मेरे पास टू एम आएगा, तो दो से दो कट जाएगा, ये आ गया मेरे पास माइनस का, ठीक है लाइन पर फोकस करना है इस चीज़ को। तो मैंने बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल एकदम करेक्ट लिखा, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं करी है, बस इसका मैंने क्या कर दिया डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है दो दस आर की घात दो को ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा माइनस के दो, ठीक है फोकस करना लाइन पर कितना जाएगा बेटे माइनस के दो ऊपर जाने पर, फिर माइनस एक जोड़ो माइनस दो पहले लिखो, दो से दो कट जाएगा हमारा आ जाएगा माइनस में इस फॉर्म में, ठीक है फोकस करना लाइन पर ठीक से। चलिए अब क्या होगा, मैं यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का जब मैं कॉमन लूंगा इस पे यहाँ से तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के डी अपॉन डी आर, ये मैंने कॉमन ले लिया माइनस के डी अपॉन डी आर, तो अंदर रह जाएगा मेरे पास कितना भी प्लस के एल स्क्वायर और अपॉन में रह गया टू टू एम आर स्क्वायर, ये मेरे पास अंदर रह गया, ठीक है ये कैसे मेरे पास कौन से बन गए बेटा, कौन से इक्वेशन है मेरे पास, ये थर्ड बनी है, ये मेरे पास बन गई है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है ये मेरे पास आ गई है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है चलिए आगे देखते हैं। अभी इसको मैं रेस्ट कर दूँ अब, तो ये ध्यान देना इन पे इक्वेशन का सही करके, चलो आगे देखते हैं। अब मुझे देखो एक काम करना है, एक काम मुझे अभी यहाँ करना है, और मुझे दोनों पक्षों में r डॉट से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है यानी कि दोनों पक्षों में r डॉट से गुणा करने पर, ठीक है दोनों पक्षों में r डॉट से क्या करने पर बेटा, गुणा करने पर, दोनों पक्षों में r डॉट से गुणा करने पर, सही है सर कर दो आप दोनों पक्षों में r डॉट से गुणा कर में, फिर तो इधर भी r डॉट से गुणा कर दो, ठीक है लो साहब लिख दिया मैंने एम आर डबल डॉट और r डॉट, ठीक है सर इक्वल टू इधर भी आप गुणा कर दो d अपॉन डी आर, ठीक है भी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम अपॉन टू एम आर स्क्वायर त्रिज्या वेक्टर ए ये और r डॉट आ गया। चलिए अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ हाफ छोटा वाला m बना लो बड़ा बन गया ये एक बटा दो एम आर डॉट स्क्वायर, वो भी कौन सी फॉर्म में डी वाई डी टी की फॉर्म में, ठीक है इसको मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया डी वाई डी टी एक बटा दो एम आर डॉट का स्क्वायर, जब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे t की रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा एम आर डबल डॉट डॉट आर डॉट आ जाएगा इक्वल टू माइनस के डी अपॉन डी आर, ठीक है भी प्लस के एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, ठीक है और r डॉट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी ठीक है अब देखो dr से dr कट गया हमारा, तो अब मेरे पास क्या रह गया इधर मेरे पास रह गया d अपॉन डी टी और यहाँ पे रह गया मेरे पास हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर, ठीक है हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर ऐसे रहने दे रहे हैं, और ये मेरे पास कितना बेटा ये है माइनस के d अपॉन dt हो जाएगा हमारा और अंदर रह जाएगा भी प्लस के एल स्क्वायर और टू एम आर का स्क्वायर, ठीक है ये डटर रह जाएगा। अब इसको तुम माइनस को ना बराबर के धर लेके जाओ तो डी वाई डी टी हम क्या कर लेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे, चलिए साहब यहाँ से डी वाई डी टी कॉमन ले लिया, अंदर रह गया हमारा हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस के भी प्लस के एल स्क्वायर अपॉन टू एम
आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मेरे पास कितना बेटे, बराबर हो जाएगा मेरे पास जीरो। अब ये जो भाग वाला है, ये गुणा वाला है, तो सब भाग में आकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कुल बचेगा एक बटा दो एम आर डॉट का स्क्वायर, एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस का ये आ जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है, टू एम आर स्क्वायर, और प्लस का बचेगा भी बराबर मेरे पास जीरो हो जाएगा। और ये क्या चीज़ है बेटा, ये नियतांक है, ऐसे तो हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है मेरे पास नियतांक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाफ एम आर स्क्वायर डॉट प्लस एल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा टू एम आर स्क्वायर प्लस के भी इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया बेटे, नियतांक आ गया। और जो ये नियतांक होता है ये कुल एनर्जी के बराबर होता है, यह कुल ऊर्जा को दर्शाता है, ध्यान देना, यह कुल ऊर्जा, ये क्या, यह है कुल ऊर्जा, ये क्या बेटा, यह है कुल ऊर्जा है, ठीक है, यह कुल ऊर्जा ई होती है, यह कुल ऊर्जा ई होती है, ई होती है, ठीक है बेटा, यह कुल ऊर्जा ई होती है। कुल ऊर्जा ई जो होती है वो ई प्लस टी के, यानी कि टी प्लस भी के बराबर होती है। ना मानो तो आप चेक कर सकते हो, निकलवा दूं टी प्लस भी के बराबर, चलिए देखते हैं आगे। अभी पहले जरा इसका स्क्रीन शॉट ले लो, आप ले लिया बेटा, ठीक है, काम में आ गई सारी की सारी इक्वेशन। बेटा अगर एक भी इक्वेशन मिस्टेक हुई तो धुआं निकल जाएगा, ध्यान देना। चलिए साहब आगे देख लेते हैं, अगर आप चाह रहे हो प्रूफ करने के यार ये कुल इक्वेशन ई है, और जो मेरे पास कुल इक्वेशन ई होती है वो होना ही काफ़ी नहीं होता, ठीक है। चलिए अगर आप चाह रहे हो तो जो ये नियतांक है इसकी जगह आप ई रख सकते हो, लेकिन एक तरीके के साथ भी यहाँ पे ई रखा जा सकता है, आप चाहो तो सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाह रहे हैं ना, यहाँ पे आप ये एक पॉइंट और है यहाँ पे नियतांक की जगह ना, आप यहाँ पे भी आर कर सकते हो, बराबर नियतांक, मर्जी है आपकी, नियतांक कर सकते हो। और जो ये नियतांक होता है वो किसके बराबर होता है, चलिए ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, भी बराबर नियतांक, एक स्टेप में और लिखवा दे रहा हूँ, नियतांक है, ठीक है, ऐसे रहने दो उसको, नियतांक है, ओके ओके। तो मैं यहाँ पे जब नियतांक है तो मेरे पास आ जाएगा एक बटा दो एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, प्लस के भी, और यहाँ कर देना आप आर, इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा ई, ठीक है। इस लाइन पर फोकस करना जो कि ये बताती है कि भैया एनर्जी जो है वो मेरे पास कैसी रहती है, नियत रहती है, ठीक है, एनर्जी जो है मेरे पास कैसी रहती है, बिल्कुल नियत रहती है। चलिए तो हो गया कंप्लीट हमारे पास यहाँ तक, तो एनर्जी भी कॉन्स्टेंट रहती है, मोमेंटम भी हमारा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या था, ठीक है ठीक है, एरिया भी मेरे पास कॉन्स्टेंट रहता, तीन चीज़ें कॉन्स्टेंट हो गई। चलिए यहाँ के बाद बस यहाँ पे इतने लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा हमारा, ठीक है, ये फाइनल हो गया हमारा। अब आता है पथ का समीकरण और निकाल देता हूँ मैं, पथ का समीकरण, ये लास्ट फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, पथ का समीकरण और निकाल रहा मैं। आप पथ का समीकरण कैसे निकालोगे आप भैया, पथ का समीकरण तो यह कुल ऊर्जा ई होती है, मैंने लिख दिया ई। चलिए अब पथ का समीकरण और निकाल रहा भैया हमें, पथ का समीकरण, ठीक है भैया, पथ का समीकरण निकाल दो आप, मज़ा ही आ जाएगा सर, पथ का समीकरण निकल गया तो। चलिए पथ का समीकरण मैं निकालता हूँ, ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ पथ, तो r बराबर एक बटा यू, माना r बराबर कितना मान लिया मैंने, एक बटा यू। अब लाइन पे ध्यान देना, ये जो पथ का समीकरण है वो मैंने कितना मान लिया, r बराबर एक बटा यू। और एक पॉइंट पर हमें विशेष तौर पे ध्यान देना, जो हमारी इक्वेशन आई थी पीछे वाली, जो हमारी इक्वेशन आई थी वो कौन सी इक्वेशन थी हमारी, चलो मैं बताऊँगा अभी फिलहाल, तो इतना देखो, तो माना आर इक्वल टू वन अपॉन यू, ठीक है। चलिए देखो मैं पथ का समीकरण निकाल रहा हूँ, यानी कि कक्षा का समीकरण, आप पथ का समीकरण बोल सकते हो या कक्षा का समीकरण बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर इक्वल टू वन अपॉन बी कर दो, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, टी के सापेक्ष में जब करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के एक बटा यू स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी टी। समझ में आया ना, समझ में आया, अरे यार बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, मैंने आराम से बताया इसको, सही का समझो। देखो मैंने करा क्या, ये u है, इस u को ऊपर ले गया हूँ तो घात पहुँच गई है माइनस के वन में, फिर मैंने फॉर्मा लगाया d बटा डी एक्स एक्स एन इंटू डी एक्स, तो एन एक्स एन माइनस के वन, तो माइनस वन मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, माइनस के वन पहले लिख लिया, और u की घात ऐसे माइनस के वन मैंने पहले लिख लिया, फिर माइनस के दो, फिर इसको नीचे लिया उठा के, और u का फिर अगेन होगा एक बार t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं और कर रहा हूँ इसको, वन अपॉन यू स्क्वायर में ऐसे रहने दूंगा, ठीक है, और जो ये मेरे पास डी यू अपॉन डी टी है, इसको मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने ऐसे लिख लिया, और डी थीटा अपॉन डी टी करके मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्यों लिखा, उसका भी रीज़न होता, देखो इसको मैं लिख लूँगा यहाँ पर आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो मेरे पास एक बटा यू स्क्वायर है ये आर स्क्वायर के बराबर है, डी थीटा अपॉन डी टी को मैं लिख लूँगा थीटा डॉट, ठीक है, ये रह जाएगा मेरे पास डी यू अपॉन डी थीटा, ओके। तो ये मेरे पास क्या गया बेटे, आर डॉट आ गया। अब यहाँ से अगर तुम आर, ये मेरे पास आर डॉट आ गया, इतना आर डॉट मेरे पास आ गया, अगर आप चाह रहे हो तो यहाँ से
अब आप आर डबल डॉट का मान भी निकाल सकते हो। चलिए एक चीज और है हमारा, अभी आर डॉट है तो आर स्क्वायर थीटा डॉट का मान कितना होता है आपको मैंने बता दिया, एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, डी यू अपॉन डी थीटा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मेरे पास कट गया, क्योंकि आपको पता है कि थीटा डॉट बराबर कितना होता है, थीटा डॉट बराबर एल बटा एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर होता है, यही तो होता है ना, ठीक है, थीटा डॉट बराबर एल बटा एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास आर डॉट जो बचा, मेरे पास आर डॉट जो रह गया भैया, वो रह गया मेरे पास माइनस के एल बटा एम, फिर मेरे पास डी यू अपॉन डी थीटा। ओके चलिए अगेन कर देता हूँ मैं इसका, तो भैया जब मैं टी के सब डबल डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये तो मेरे पास एल बटा एम कोस टेन रहेंगे, ये तो बदलने वाले हैं नहीं, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। फिर थीटा का अगेन करो टी के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा बटा डी टी, डी थीटा बटा डी टी इतना आ जाएगा मेरे पास। चलिए साहब मैं इसको इरेज कर दूँ, इसको मैं इरेज कर दूँ, लो साहब चलो मैंने इसको इरेज कर दिया है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से कवर हो जाएगा, इतना बड़ा पॉइंट भी नहीं है ये, ठीक है। चलिए आर डबल डॉट इतना आ गया मेरे पास, आ गया, और डी थीटा बटा डी थीटा को मैं लिख लूँगा थीटा डॉट, है ना। तो आर डबल डॉट का मान जो मेरे पास आया है मेरे दोस्तों, वो कुछ निकल के आया है माइनस के एल बटा एम, ठीक है सर, माइनस के एल बटा एम, तो ये आ गया मेरे पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास थीटा डॉट, अगेन फिर से मेरे पास थीटा डॉट आ गया। अब थीटा डॉट का मान फिर से लगा दो कितना, एल बटा एम आर स्क्वायर लगा दो फिर से। चलिए साहब लगाओ बेटा, तो एल बटा एम, तो मेरे पास ये रह गया डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, थीटा डॉट का मान फिर से लगा दो, एल बटा एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो अब एल एल कितना हो गया मेरे पास, एल स्क्वायर हो जाएगा, एम एम मेरे पास एम स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रह गया मेरे पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, डी थीटा का मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप एक बटा आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो, आपने आर बराबर एक बटा यू माना है, तो यू बराबर एक बटा आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के एल का स्क्वायर यू का स्क्वायर, और अपोन में मेरे पास कितना आ जाएगा एम का स्क्वायर, तो ये आ गया डी का स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मेरे पास आर डबल डॉट का मान। क्वेश्चन नंबर कुछ मत बनाओ, ऐसे रहने दो, आर डॉट का मान निकल गया मेरे पास ये वाला, ये किसका मान आया बेटे, आर डॉट का मान आया है, ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, आर डबल डॉट की आई है, ठीक है भैया, ये वाली वैल्यू हमारी किसकी आई है, आर डबल डॉट की आई है। तो एक वैल्यू आर डॉट की आ गई, एक वैल्यू आर डबल डॉट की आ गई, अब इसको रखना कहाँ पे है, प्रॉब्लम तो इस बात की है सर कि इसको रखना कहाँ पर है, और रखना कहाँ पर है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर तीन आप चेक कर लो, इक्वेशन नंबर तीन क्या थी मेरे पास, वो कुछ इस टाइप से लिखी थी मैंने, एम आर डबल डॉट, ठीक है, माइनस के एम आर, ठीक है, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का था तो इसको उधर ले जाओ, तो ये पड़ जाएगा डी वी अपॉन डी टी में, डी वी अपॉन डी आर में, ये तो थी हमारे पास इक्वेशन नंबर तीन। चलिए अब इसको इधर लेके जाओ तो कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ये माइनस में पहुँच जाएगा, ये माइनस का है, कहाँ पहुँच जाएगा प्लस में, सही है सर, प्लस में लेके चलो इसको आप, अब सर इसको हम प्लस में ले गए हैं, ले गए प्लस में, ओके सर प्लस में ले गए हैं, तो एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस के, ये क्या जाएगा बेटे मेरे पास, डी वी अपॉन डी आर, ओके सर, ओके 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 वेरी गुड सर। अब देखो थीटा डॉट स्क्वायर का मान लगा दो यहाँ पे, थीटा डॉट स्क्वायर का मान कितना है चेक करें भैया, थीटा डॉट स्क्वायर का मान है एल बटा एम आर स्क्वायर, ये तो है एम आर स्क्वायर, और इसकी जगह मैं लगा दूंगा कितना, एफ आर, क्या लगा दूंगा इसकी जगह बेटे, मैं एफ आर लगा दूंगा, ठीक है। अब एक एम से एक एम कट जाएगा, यानी कि यह है मेरे पास स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर है, तो एक एम से एक एम कटेगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो मेरे पास कितना रह जाएगा अभी देखते हैं। चलिए तो ये एम आर डबल डॉट आ गया, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दूं यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ भैया थोड़ा सा, क्योंकि आर डबल डॉट का मान कामा आगा हमारे, ये है आर डबल डॉट का मान, यहाँ तक कर दे रहा हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं, तो देखो ज़रा, तो मेरे पास कितना बचेगा, एम आर डबल डॉट, तो ये रह जाएगा मेरे पास कितना बेटे, एक एम से एक एम, तो ये रह गया मेरे पास कितना, एल स्क्वायर अपॉन एम आर की क्यू, प्लस के रह गया मेरे पास कितना, एफ आर, ये भी डाटा मेरे पास रह गया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, नहीं है भैया यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ आप लोगों को, ठीक है। अब देखो आर डॉट तथा आर डबल डॉट का मान रखने पर, का मान रखने पर रख दो, का मान रखने पर, चलिए आर डॉट तथा आर डबल डॉट का मान लगा दो। अरे यार आर डॉट तथा आर डबल डॉट का मान, तो भैया एम मेरे पास ऐसे रहेगा, छोटा वाला एम बनाना सब, ठीक है, तो एम आर डबल डॉट का मान चेक कर लें कितना है, यह आएगा माइनस के एल का स्क्वायर, फिर यू का स्क्वायर, और अपॉन एम का स्क्वायर, फिर मेरे पास डी का स्क्वायर यू,
और अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब तुम ये जो एल स्क्वायर है इसको ऐसे लिख लो, चलो साहब लिख लिया, और जो ये मेरे पास आर क्यू है ना इसको आप यू क्यू लिख सकते हो, आप एक बट्टा आर क्यू बराबर यू क्यू। चलिए, और एम को मैं ऐसे रहने दूंगा प्लस एफ आर, आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक बट्टा यू हैगी, हैगी यू। अब क्या होगा मेरे पास, देखो इस वाले एक एम से एक एम मेरे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो है सबकी गुणाएं पहुंचेगा और ये वाला सबकी भागाएं पहुंचेगा, तब जाके ये डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर का मान हमारा फाइन हो जाएगा। चलिए इसको इसके भी बुझाओ, यानी कि एम एल स्क्वायर और यू की क्यू बटे में कितना है मेरे पास, एम हैगा, और ये चिन्ह सहित आया है माइनस के एल का स्क्वायर और यू का स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्लस, फिर एम इसकी गुणा में पहुंचा है एम, तो ये आ गया मेरे पास एफ एक बट्टा यू, ठीक है, एम इसकी गुणा में पहुंच गया, और अपोन में कितना है, अपोन में ये आया है मेरे पास चिन्ह सहित एल स्क्वायर और यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं काट फाट के, अब हटा दो उसको, अब इसकी कोई मान का काम नहीं है। तो देखो एक एम से एक एम कट गया, एक एल स्क्वायर से एक एल स्क्वायर कट गया, यू से यू कट गया, तो मेरे पास कितने रह गए, केवल एक यू रह गया ऊपर, तो ये रह गया माइनस के यू, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये रह गया मेरे पास एम गुणा एफ एक बटा यू, ठीक है, और अपोन में मेरे पास रह गया एल स्क्वायर और यू स्क्वायर, ठीक है, और यही चीज़ क्या है डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यही मेरे पास क्या है, यह कक्षा का समीकरण है। ये क्या है बेटे, ये क्या है मेरे पास, यह है, लिख दो लास्ट में, यह है कक्षा का समीकरण है। ओके, यह कक्षा का समीकरण है, ये कक्षा का समीकरण है, इससे ज़्यादा आपको करना नहीं है, बस फाइनल यहीं पर हमें निपटा देना है। और भी आता है कि जब ये कक्षा का समीकरण है, ठीक ठीक है, तो ये क्या मेरे पास कक्षा का समीकरण है, तो आपको यहाँ तक करके आना है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में फंसेगा तो बढ़िया करके उसको करना, कवर करना, याद करना, ठीक है, और लिख लिख के याद करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।